हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव IAS। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके अलावा जी जो मेंस होता है उसके पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल डिजास्टर को लेकर के कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होगा, है ना, जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है उसमें कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उसको लेकर के बेसिकली एक्सरसाइज थी जिसमें बीमस्टेक के देशों ने जो है पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा भी जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कौन कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है और कैसे कैसे ये कंडक्ट हुई, कहाँ पर ये कंडक्ट हुई। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखो व्हाई इन न्यूज़, अभी हाल ही में सेकंड बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि आपकी बीमस्टेक की फुल फॉर्म है, बीमस्टेक का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हुआ 11 से 13 फरवरी 2020, जो कि कंडक्ट हुआ है कहां पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये जो सेकंड एडिशन था इस एक्सरसाइज का, बेसिकली इसका फोकस था कि किस तरीके से जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनका प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इसका फोकस यही था कि हेरिटेज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन। उसके अलावा जो पहला एडिशन था जो 2017 में हुआ था बीमस्टेक की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का, उसको भी इंडिया ने होस्ट किया था। उसके अंदर लेकिन जो फोकस था वो ये था कि आपकी कितनी प्रिपेयर्डनेस है, कौन सा रीजन कितना प्रिपेयर्ड रहता है, उसके अलावा कि कोई भी अगर डिजास्टर होता है तो उसमें आप कितना इमीडिएट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कितनी जल्दी से जल्दी आप अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं डिजास्टर वाले एरिया में, तो उसको लेकर के क्या नाम है उस टाइम पर फोकस था। लेकिन अब की बार का जो फोकस है वो है कि किस तरीके से जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। की पॉइंट्स क्या निकल कर आए, बेसिकली इस एक्सरसाइज में बहुत सारे मेंबर आए और ये एक्सरसाइज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जहां पे मेंबर्स आकर के अपनी कैपेबिलिटीज को इवेल्युएट करते हैं, सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करने की उसको आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस जो होती है इमरजेंसी के टाइम पर उसको इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा जो रीजनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी रीजन में, जो रीजनल रिस्पॉन्स होता है उसके जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कल को कहीं पे सुनामी आती है बे ऑफ बंगाल में तो उससे बांग्लादेश भी इफेक्ट होगा और इंडिया भी इफेक्ट होगा और म्यांमार भी इफेक्ट होगा। तो ये रीजन वाइज जो है रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन किया जाता है, वरना इंडिया अपना अलग लगा रहेगा, बांग्लादेश अलग लगा रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि रीजनल रिस्पॉन्स का जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार कल्चरल हेरिटेज साइट्स जिनको डिजास्टर से खतरा हो सकता है उनको बचाने के ऊपर फोकस किया गया। इसके अंदर बहुत सारे जो है स्टेक होल्डर्स आए हुए थे जिन्होंने आपस में आकर के डिस्कस किया और जो करंट सिचुएशन है और आगे क्या किया जा सकता है इसके ऊपर बात की गई। एक्सरसाइज में बीमस्टेक के बहुत सारे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट भूटान एंड थाईलैंड। ठीक है, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके अलावा UNDP भी था, उसके अलावा INSARAG इंसराग वो भी था, इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप, उसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन कल्चरल प्रॉपर्टी ICCROM, ये सब भी थे। और NDRF जो थी इसकी एक नोडल एजेंसी थी जिसने क्या नाम है इन सबको होस्ट किया। उसके अलावा उसने अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करी कि किस तरीके से वो जब भी हेरिटेज साइट्स को खतरा होगा, ठीक है, चाहे वो अर्थक्वेक से हो, फ्लड से हो, साइक्लोन से हो, सुनामी से हो, तो उसमें वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, उस तरह की कैपेबिलिटी को भी दे है NDRF ने दिखाया। अभी हाल ही में क्या हुआ था, उड़ीसा के साइड कोई जो है आपका साइक्लोन आया था, आई एम नॉट गेटिंग इट्स नेम, और उससे एक कल्चरल हेरिटेज साइट जो है वो इफेक्ट हो गई थी। तो उसको लेकर के बेसिकली इस बार का इन्होंने मुद्दा रखा कि हम कैसे अपनी कल्चरल जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको बचा सकते हैं डिजास्टर के टाइम पर। रीजन क्या रहा कि इसकी बार फोकस रखना पड़ा हेरिटेज साइट पे, एक तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया वो रीसेंट का था, उसके अलावा 2015 में जो नेपाल में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था उसके अंदर बहुत सारी जो हेरिटेज साइट्स थी उनको नुकसान पहुंचा था। उसके अलावा 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसमें भी हेरिटेज साइट्स को नुकसान पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं इस बात की नीड लग रही थी कि हेरिटेज साइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए डिजास्टर्स के समय पे, तो उसको लेकर के इन्होंने फोकस रखा और NDRF क्या अपनी कैपेसिटी बना सकती है इस चीज़ को लेकर के, इसलिए बात की गई थी। तो जो आपका ये IRRCOM है जिसके फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर
स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन कल्चरल प्रॉपर्टी। बेसिकली ये एक डिक्लेरेशन के का एक रिजल्ट है जो यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में 1956 में। इसका एक सेंटर जो है 1959 में एस्टेब्लिश हुआ रोम इटली में, और इंडिया इसका एक मेंबर है सिंस 1961। तो बेसिकली ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि कंजर्वेशन को प्रमोट किया जाए कल्चरल हेरिटेज के, चाहे वो किसी भी रीजन में हो पूरे वर्ल्ड के, और ये यूनेस्को के अंडर में काम करती है। यूनेस्को का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी 2001, उस डिक्लेरेशन के अंडर में ये काम करती है। उसके आगे बात आती है इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप, जो कि एस्टेब्लिश हुई है 1991 में, और ये ग्लोबल नेटवर्क है मोर देन 90 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बताते हैं कि किस तरीके से जो अर्थक्वेक आता है उसके अंदर कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, उसके अंदर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये बेसिकली इन सराख का काम हैगा। उसके आगे बात करते हैं अगली स्लाइड में कि इंडिया और डिजास्टर मैनेजमेंट इनका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रीसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनियन बजट ने बिल्कुल अप्रूव किया अभी रिसेंटली कि एस्टेब्लिश किया जाएगा एक CDRI को न्यू दिल्ली के अंदर में। उसके अलावा NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ने अपनी पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड स्लाइड्स रिस्क रिडक्शन एंड रिसिलियंस को कंडक्ट किया नवंबर 2019 में न्यू दिल्ली में। उसके अलावा इंडिया एक बिल्कुल जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वालों में से है जब भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात आती है। उसने होस्ट किया है साउथ एशियन एनुअल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइजेस थी और कॉन्फ्रेंस थी जिसको इंडिया ने होस्ट किया। तो इट मीन्स कि इंडिया एक फोर फ्रंट है इसके अंदर, मतलब बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वालों में से है जब भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात आती है। उसके अलावा इंडिया के पास जो भी अपनी एक्सपर्टाइज या फिर कैपेबिलिटीज है वो जरूर दूसरों को ऑफर करता है, चाहे वो साउथ एशिया सेटेलाइट की बात हो, G-SAT-9 की बात हो, या फिर सुनामी का जो अर्ली वार्निंग सेंटर है वो जरूर ऑफर करता है अदर कंट्रीज़ को। उसके अलावा जब अभी ब्रिक्स समिट हुआ अक्टूबर 2016 में, तो वहाँ पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा था बीमस्टेक लीडर के साथ में। ठीक है, था तो ब्रिक्स समिट जो गोवा में हुआ 2016 में, लेकिन वहाँ पे जो बीमस्टेक के लीडर थे उनको स्पेशल इन्वाइटीज के तौर पे बुलाया गया था, और वहाँ पे जब मीटिंग हुई तो उसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा था। तो ये कुछ इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हमने बहुत सीखा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, और बीमस्टेक एक्सरसाइज थी उसके बारे में जाना। रिसेंटली अभी ये आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में कंडक्ट हुई है, एक बार और बता दिए मैंने। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशंस फीडबैक है डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गुड बाय।